पश्चिम बंगाल में सियालदेह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। उसे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस यहां खड़ी थी जब पीछे से आ रही मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद ट्रेनों की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नज़रअंदाज किया था। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि कंचनजंगा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने यात्री ट्रेन को टक्कर मारी। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे 2 पार्सल वैन के डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जो भी इंजरीज हैं।